नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस की प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में आयोजित मल्टी एक्टिविटी वीक 2024 खेल सप्ताह का समापन समारोह आज दिनांक 12/5/2024 को 10/11 स्पोर्ट्स अकेडमी में आयोजित हुआ। खेल सप्ताह के समापन समारोह में प्रतियोगिता में विजेताओं का पुरस्कार वितरण माननीय न्यायाधिपति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं न्यायाधिपति श्री कुलदीप माथुर द्वारा किया गया। आज क्रिकेट का आखिरी मल्टी एक्टिविटी स्पोर्ट्स वीक के अंदर क्रिकेट की आज सेमीफाइनल और फाइनल के मैच हो रहे हैं। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि किस उत्साह के साथ वकीलों ने जो भाग लिया है क्रिकेट, स्क्वैश में, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में और काफ़ी सारे जो खेल थे जिसमें भाग लिया है और सब जो विजेता और उप विजेता है दूसरे खेलों की उनका आज पारितोषिक वितरण किया जाएगा और क्रिकेट में आज सेमीफाइनल और फाइनल होने के बाद वो भी पारितोषिक ऑनरेबल जस्टिस पीएस भाटी द्वारा किया जाएगा। आज न्यायिक राजधानी जोधपुर के लिए एक बड़ा ही स्वर्णिम दिन है क्योंकि न केवल आज एक जोधपुर दिवस है बल्कि विश्व ईश्वर माओं का भी दिन है। आज मदर्स डे भी है और इसी सुंदर दिन के प्रतीक के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन अपनी खेल भावना को चरम पे पहुंचाते हुए 3 दिन के अपने टूर्नामेंट में आज उन्होंने अपना मेडल सेरेमनी रखा है और मैं देख रहा हूँ चारों तरफ भारी तादाद के अंदर लॉयर्स अपने व्यस्तम रूटीन में से निकल करके आज अपनी पूरी खेल भावना को व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और बड़े उत्साह, एनर्जी और पूरे जोश के साथ जो है वो खेल रहे हैं, जो एक अपने आप में बड़ा सुखद दृश्य है। इसके अलावा मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जब भारत का संविधान अपन में 75वें वर्ष मना रहा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपना 75वां वर्ष मना रहा है और राजस्थान हाई कोर्ट अपनी प्लैटिनम जुबली 75वां वर्ष मना रहा है, तब इस स्वर्णिम काल के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर एसोसिएशन द्वारा जो एक कदम उठाया गया है इसके लिए मैं आनंद पुरोहित साहब और इनकी समस्त टीम को एक अत्यंत बधाई भी देना चाहता हूँ। ये एक अत्यंत सराहनीय कदम है क्योंकि इसके द्वारा एक मैसेज समाज को भेजा गया है कि संविधान की, प्रजातंत्र की और न्यायपालिका की और विधि क्षेत्र की ये सुंदर यात्रा खेल भावना से परिपूर्ण है, खेल भावना से भरी हुई है और इसी को इंगित करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए आज इस टूर्नामेंट का आयोजन राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने किया है। मैं खूब सारी बधाई, खूब सारा सब लोगों को शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा इसी तरह से सुखद और सुगम बनी रहेगी और आप सभी अधिवक्ताओं और विधि जगत के सभी नुमाइंदों से ये उम्मीद रखता हूं कि आगे भी इसी खुशी के साथ न्यायिक राजधानी आगे बढ़ती रहे और संविधान के पद पे खरी उतरती रहे।